गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। तीसरा एक बात कार्य दृष्टि से कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। इफ देर आर 100 थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल दैट यू कैन इफेक्ट द एंड रिजल्ट, देर आर 1000 फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन नेगेटिवली इफेक्ट द एंड रिजल्ट। यस और नो? आपने बड़ा अच्छा धंधा चालू कर दिया लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो? आपने स्टैंड का धंधा चालू कर दिया और गवर्नमेंट ने कैप रख दी, क्या करेंगे? रख दी है और कहीं कैप्स आने वाली है। मतलब देर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन एक्चुअली इफेक्ट द एंड रिजल्ट। इसलिए श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि यू डू योर जॉब इन द बेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू हैव, एंड रिजल्ट लॉर्ड कृष्ण सेज आई विल डिसाइड। आपके पूर्व के जो कर्म हैं, आपने जिस भावना से वो कर्म किया है, जिस स्वार्थ से वो कर्म किया है, जिस एक दोनों को धक्का मार के आगे निकल गए हो, वो सब भी गिनती में तो लेना पड़ेगा ना। वो सब वो हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है। अगर ये बात को समझ ले तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी स्लीपिंग पिल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमुख स्वामी महाराज वल्लभ विद्यानगर में थे, तब एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर नटूभाई पटेल उनको मिलने के लिए आए और बोले कि स्वामी जी, मैंने आपको हर क्रिया में सुबह से शाम तक देखा है, पत्र लेखन में देखा है, फिर लोगों को मिलते हुए देखा है, सभा में संबोधन करते हुए देखा है, कार्य में देखा है, फोन पे देखा, कभी आपके चेहरे पे उदासीनता नहीं देखी, स्ट्रेस नहीं देखा, कभी कोई व्रिंकल फ्रस्ट्रेशन का नहीं देखा, ये कैसे बन सकता है? और हम लोग तो एक एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी चलाते हैं, 90 करोड़ का टर्नओवर है, तो भी अगर शाम को 2 पैग न ले तो नींद नहीं आती है। किसके पैग? छाछ के। 2 पैग अगर नहीं पीते तो नींद नहीं आती, और आप इतने आराम से सुबह में फ्रेश, अच्छी नींद हो जाती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह बात प्रैक्टिकल बताई। प्रमुख स्वामी ने कहा हम भी काम करते हैं, सुबह उठ के काम शुरू करते हैं, शाम को सोते पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं कि आपने मुझे जितनी शक्ति बल बुद्धि दी उस हिसाब से मैंने अपना कर्म पूरी ताकत से करने का प्रयत्न किया है, ये है वो कार्य, अब आपकी जो इच्छा हो वो मुझे फल देना, कल सुबह देखेंगे। ये सोच के प्रमुख स्वामी ने कहा हम सो जाते हैं, इसलिए नींद आ जाती है, चैन रहता है, स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती है और डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं आते। और हम लोग क्या मानते हैं, मैंने इतना पुरुषार्थ किया ना, अब इतना रिजल्ट आना ही चाहिए, क्या तू भगवान है? बिकॉज वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन गेटिंग द डिजायर रिजल्ट, वी एक्सपीरियंस ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव्स इन लाइफ। हाँ, गोल तैयार करना है कि 2025 में मुझे ये कंपनी यहां तक पहुंचानी है, गोल तैयार करो और इसके हिसाब से प्लानिंग और हार्डवर्क भी करना है, दैट इज अ ह्यूमन एंडेवर। लेकिन अगर वो कुछ कम मिला, नहीं मिला, परसेंटेज में मिला, उस वक्त ये समझ एटीट्यूड है कि फाइन, आई वर्क्ड द बेस्ट दैट आई कैन, रिजल्ट्स आई एक्सेप्ट इट, वरना डिफिकल्ट है। हिलरी क्लिंटन वॉज बाउंड टू विन, लगता था ऐसे उस वक्त, जो भी परिस्थितियां खड़ी हुई, जो भी लास्ट मिनट चेंजेस हो गए, जो भी कहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो भी कुछ बड़ी, वो तो सब कहानियां हैं, लेकिन शी कुड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इफ शी वुड हैव, शी वुड हैव बीन द फर्स्ट लेडी टू कम इन द व्हाइट हाउस। वोटर्स को थैंक कर दिया, and the story goes after that for another few days and a couple of weeks with introspection, fine, purusharth kar liya, jo bhi vichar dene the logo ko diye, jo bhi mere man mein vichar policies ke the, future planning ke the, wo bhi logo ko bata diye, ab ye to democracy hai, people's choices chalti hai, chal gayi, fine, she could stabilize herself।
विद दिस थॉट, वरना इस प्रकार के जंग में तो अगर आप हार गए ना तो पूरी जिंदगी अंतर में तकलीफ रहती है, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। इसमें से डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, स्लीपिंग पिल्स आ जाती है, और शाम को अगर 10-15 पिल्स न लो तो नींद नहीं आती है, दिन पूरा नहीं होता है। सो द थर्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इज माई जॉब इज टू परफॉर्म माई ड्यूटी, रिजल्ट्स लेट हिम डिसाइड, एंड आफ्टर ही डिसाइड्स आई एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस होल हार्टेडली। तो दिस इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। अब रिलेशनशिप्स में क्या एटीट्यूड रखना है, रिलेशनशिप्स में क्या एटीट्यूड, हम लास्ट 10 मिनट्स बात करेंगे, आई थिंक 1:10 हो गई है, बराबर ना, एक हाँ 1:30 पूरा 1:10 हुई। तो रिलेशनशिप्स में क्या एटीट्यूड रखना है। प्रमुख स्वामी महाराज 1984 में बेल्जियम में थे, यूरोप में डॉक्टर शाह के घर पे उनका निवास था। वहां डॉक्टर शाह ने प्रमुख स्वामी महाराज जब भोजन ले रहे थे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि स्वामी हम जिस लोगों के संपर्क में आते हैं फिर उनका कोई अवगुण नजर में जब आ जाता है तब बाकी हर रोज जब और हर बार जब उनको मिलते हैं तब वही दृष्टि से देखते हैं कि ये वो, उनके गुण कम नजर में आते हैं, गुण हमारे हृदय में कम स्थिर होते हैं, उनके जो अवगुण हुए नेगेटिव्स होते हैं ना वही मन में रहते हैं जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं तब। इफ यू हैव सीन समबडी रेड वी वॉन्ट टू सी हिम रेड ऑलवेज इन लाइफ। कभी आदमी सुधर सकता है वो स्वीकारने की तैयारी नहीं है। एटीट्यूड हमारा ये रहता है ये तो वही है। तो आप तो हजारों लोगों को मिलते हो, सबके प्रति प्रेम रखते हो, सबके नेगेटिव्स भी आपको पता है क्योंकि आपके पास निष्कपट हुए हैं, तो भी आप प्रेम से उनको मिलते हो, प्रेम से उनसे बातचीत कर सकते हो, कैसे? तब प्रमुख स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये सुनने लायक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स विथ योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी रिलेशंस के बारे में। प्रमुख स्वामी ने कहा जिस व्यक्ति से आपने संबंध जुड़ा और आपने तय किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में पूरे जीवन तक रहनी चाहिए, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी आपने एक बार नक्की किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहने चाहिए, मैंने सिलेक्ट किए हैं ये व्यक्ति को मेरे जीवन में, फिर उस व्यक्ति के पॉजिटिव ही देखना, नेगेटिव मत देखना। फिर प्रमुख स्वामी बोले कि उनमें 99 अवगुण होंगे लेकिन एक तो गुण होगा ना, दृष्टि उस पर रखना, तो संबंध रहेंगे, विश्वास रहेगा। ये किसके लिए है? जिस व्यक्तियों ने आपने चुना है, आपके जीवन में आप लाए हो और पूरे आपके जीवन तक वे सब व्यक्ति आपके जीवन में रहे ऐसी आपकी इच्छा है। That set of people, for that set of people आप यही सोचना, उनके गुण सोचना, अवगुण मत सोचना। कितनी अच्छी बात है। That is very important. For आप अपने जीवन में 10-15-20 व्यक्ति तैयार कर लो, मोबाइल में तो 400-500-800 नंबर होंगे, लेकिन this 15 people should be in my life to make my life happy। ये सेमिनार के बाद या टॉक के बाद घर जाके पहला काम ये करना, सिलेक्ट दोस 15, 20 और 25 पीपल इन योर लाइफ। ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहने ही चाहिए कोई भी हिसाब से। आई एम रेडी टू पुट एनीथिंग टू कीप दैट रिलेशनशिप। और फिर वो 25 व्यक्ति का अवगुण कभी मत सोचना, उसके गुण ही सोचना। देन यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स अपॉन दिस अर्थ। वरना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो पूरी जिंदगी गेम चलती है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल क्या एटीट्यूड रखना है? प्रमुख स्वामी महाराज को वो अपने जीवन में से अच्छी बात, एक अच्छा विजडम सिखाते थे। किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो तो कैसा लगेगा आपको? बिपिन राम जी आप गधे हैं, मैंने बोल दिया चलो जाहिर में सबके बीच, कैसा लगेगा आपको? इंसल्ट लग जाता है ना। वो तो हमारे अच्छे मित्र है, उसे फायर कर सकता हूं मैं, चिंता नहीं। सतीश जी आपको किसी ने गाली दे दी तो सबको लगता है, मुझे दे दी तो मुझे भी लगता है। प्रमुख स्वामी ने एक अच्छी बात सिखाई है। मैंने बोला ना उनके जीवन में घोर अपमान भी हुए उनके, उस वक्त उन्होंने किस विचार से वो स्थिरता रखी, किस एटीट्यूड रखा, कौन सा एटीट्यूड रखा।
तो वे कहा करते थे अपने जीवन में से ये विजडम सिखाते थे कि किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो तो प्रमुख स्वामी कहते थे कि आंख बंद कर लेना और सोच लेना कि मेरी सफेद चमड़ी है नहीं, मेरे लंबे लंबे कान है नहीं, मेरे पीछे एक पूछ है नहीं, बस तो मैं गधा नहीं हूं, इतना ही सोचना है। कोई आपको गधा कहे तो इतना ही सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा विचार वे देते थे, किसी ने आपको गधा कहा कि गधे जैसे हो, अब सतीश जी आपके सामने उंगली निर्देश करके मैं बोलूं कि अरविंद जी जरा इधर आइए तो आप क्या कहेंगे? मैं आपके सामने अरविंद जी बोलेंगे, अरविंद जी जरा इधर आइए तो नहीं, मैंने आपको कहा कि अरविंद जी आप इधर आइए तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ वही मैं, हाँ शायद, और स्वामी जी शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सतीश हूं, मैं अरविंद नहीं हूं, इतना तो आप बोलेंगे ना। दूसरी बार अगर मतलब अरविंद जी आए तब बोलेंगे स्वामी जी कदाच शायद कोई शक्ल कोई अरविंद की होगी जो आपको आप पहचानते होंगे, उनकी शक्ल मेरे साथ है, तो आई एम बेसिकली आप ये बोलेंगे कि आई एम नॉट अरविंद आई एम सतीश, इतना तो आप कहेंगे ना। तो कोई आपको गधा बोले तो इतना ही बोलना है कि सॉरी आई एम अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट अ डोंकी प्लीज। कितनी शांति रहती है, कितनी स्थिरता रहती है। प्रमुख स्वामी ये कहते थे, ये दो बात बताते बताने के बाद कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधा नहीं बनते, आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा अब आप बने, अब तक नहीं थे अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना और रिएक्शन चालू कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज टू नेगेटिव्स यू हैव एक्सेप्टेड दैट नेगेटिव्स इन लाइफ। कीप द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग, द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग नेगेटिव्स इन लाइफ कैन गिव यू स्टेबिलिटी। किसी ने गधा तो बोल दिया, बोलने वाला तो बोल गए। प्रमुख स्वामी हम सब मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ, उसका मेन रीजन क्या है, मूलभूत कारण द्रौपदी जी ने क्या बोला, अंधे का बेटा अंधा, बराबर सबने ये उत्तर दिया, इसलिए मानते कि यहां से वो दुर्योधन को जरा उसका मान भंग हुआ और पूरा महाभारत हो गया, पूरी दुनिया ये कहती है। प्रमुख स्वामी का एटीट्यूड डिफरेंट है। प्रमुख स्वामी कहते थे अगर द्रौपदी नहीं बोली होती तो कोई और बोला होता, लेकिन दुर्योधन में यह समझ नहीं थी कि बोलने वाले तो बोलते हैं, मैं कहां आंधा हूं, मैं तो देखता हूं चाहे वो बोले, ये एटीट्यूड नहीं था ना दुर्योधन का, इसलिए महाभारत हुआ। द्रौपदी जी का कोई कसूर नहीं था, अगर द्रौपदी नहीं बोली होती कोई और बोला होता तो दूसरी बार क्या महाभारत करता वो। Always take care of your defense systems. Attacks तो चालू रहेंगे, तो attitudes में इस प्रकार की बातें हैं, काम में, संबंधों में। और तीसरे प्रकार के attitudes काम में परिस्थितियों के। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, रूम छोटा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी रूम छोटा है, स्वामी ने बोला छोटा रूम अच्छा, पावर कम यूज होता है। एक वीक के बाद टोरंटो में थे, 1988 का ये प्रसंग है, रूम बड़ा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी ये बड़ा रूम ठीक है, प्रमुख स्वामी बोले हाँ बड़ा रूम ठीक, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। विद द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर कंफर्टेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। अभी विनोद खन्ना ऑफ हो गए, उन्होंने एक प्रसंग लिखा था अमिताभ जी के बारे में कई साल पहले कि एक बार शूटिंग में जाना था, उनको जरा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, वे आधा घंटा देरी से पहुंचे, और अमिताभ जी अपने जीवन में कभी लेट नहीं पहुंचे सेट पे। तो ओवर कोट पहनना था, तो उन्होंने वो तो ड्रेसअप हो गए थे, हैट बैट जो शॉट था उसके हिसाब से, बहुत गर्मी थी और पसीना चल रहा था अमिताभ जी के चेहरे पे से, और विनोद जी ने कहा सर आई एम वेरी सॉरी कि सर लेकिन इतनी धूप में आप यहां बैठे हो इतना पसीना। अमिताभ ने कहा कि ओ पसीना, ओ सॉरी पसीना क्लीन कर दिया। सर आपको ये धूप और ये पसीना नहीं लग रहा है? अमिताभ सेड आई हैव कम हियर फॉर वर्क, नॉट आई एम नॉट अ सेंसर हु कैड गिव लाइक अ थर्मोमीटर व्हाट इज द हीट। मैं यहां काम करने के लिए आया हूं, मैं ये अपेक्षा से नहीं आया हूं कि वातावरण परिस्थिति मुझे अनुकूल हो, जो भी परिस्थिति है मैं तैर करके क्या आया हूं, काम करना है।
तो ये धूप और ये पसीना आप जब बोले तब मुझे पता चला कि धूप और पसीना है, मैं काम करने आया हूं। तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने गोल से विचलित नहीं कर सकती इफ यू डिसाइड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। प्रमुख स्वामी महाराज घूमते थे, वो गाड़ी थी पहले फार्गो कार थी, बड़ी कार थी, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते थे। एक साल में 3 एक्सीडेंट हुए उस कार के। सबने कहा कि स्वामी ये कार है ना वो अपशुकन है, वो निकाल देते हैं। प्रमुख स्वामी ने कहा क्यों कि स्वामी 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में? प्रमुख स्वामी ने बोला अपशुकन याल नहीं है, बहुत भाग्यशाली है हम, क्यों 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन एक भी मरा नहीं। सी हाउ यू लुक एट थिंग्स यू एंजॉय लाइफ। छोटे छोटे प्रसंग होते हैं लेकिन इतने बड़े महापुरुषों के जीवन में इसी विचारधारा से वे स्थिर रहते हैं। और हम लोग हमेशा फरियाद में रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना था, उसने बिगाड़ दिया, यही चर्चा चलती है। कितना हुआ उससे आप आनंद लेना। आज के फंक्शन के लिए आपने इन्विटेशन 500, 700, 800 को दिया होगा, उसमें से 100 लोग आए हैं, 75 लोग आए हैं। डिस्कस अबाउट 75 प्रेजेंट, डोंट डिस्कस अबाउट 800 एब्सेंट टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेमिनार। डिस्कस अबाउट हुआ प्रेजेंट, एंजॉय तो किया ने, आनंद तो आया ने, कुछ तो मिला ने, प्रेजेंट तो थे, उसकी चर्चा करो ना। और यार उसको तो 3 SMS भेजे थे, वो नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, उसकी चर्चा क्यों ज्यादा करनी है? जो आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, कुछ पाके जा रहे हैं, उसके चेहरे देख के आनंदित हो जाओ। एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी इन लाइफ, एज सिंपल एज दैट। तो ये सेमिनार के बाद वो चर्चा मत करना, ये चर्चा करना। सो दिस इज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप, पर्सनल एटीट्यूड्स इन लाइफ। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि छोटे मोटे ऐसे एटीट्यूड से ओवरऑल हम सुखी रह सकते हैं। जब अमेरिका में लाइट जाती है तब पता है वे लोग क्या करते हैं? ही पिक्स अप द फोन एंड कॉल्स द इलेक्ट्रिक कंपनी, अरे ये लाइट क्यों गई, क्या हुआ? क्योंकि अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। जापान में जब लाइट जाती है तब जापानीज क्या करता है, सेल्फ वर्किंग पीपल, मेज ले आएगा, उस पर चढ़ जाएगा और फ्यूज ठीक करने लगेगा, दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल। और पता है इंडिया में जब लाइट जाती है तब क्या होता है, दरवाजा खुलता है, सब अंधेरा है, होता है, सबके अंधेरा, सबके घर में अंधेरा हो गया ना, हमारे घर में भी होता है, बैठ जाओ और बाहर बैठ जाता है गप्पे सप्पे मारने के लिए। एटीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव और बड़ा रखना चाहिए तो जीवन में बहुत आनंद आ सकता है। एक बेबी मॉस्किटो वॉज ऑन इज मेडन फ्लाइट, उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद, एक स्टोरी है। एंड द मदर एंड फादर वर वॉचिंग, ओह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ। पूरे रूम में घूम के वो बेबी मॉस्किटो वापस आया माता पिता के पास, और उसकी माता ने बहुत इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वॉज योर मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट कैसे थी? तब बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वॉज ग्रेट। मॉम ने पूछा कैसे? मॉम मॉम एवरीबडी वेर क्लैपिंग फॉर मी, मेरे लिए सब ताली बजा रहे थे। पता चला क्या था, सब एक्चुअली क्या कर रहे थे, उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। और उसने क्या एटीट्यूड रखा, मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। जब मारने के लिए भी प्रयत्न हो तब भी मेरे लिए तालियां है, दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ। एंड देर इवन हैप्पी, कितना आनंदित हो गए, वो छोटा बेबी मॉस्किटो कितना आनंद में आ गया होगा, अरे यार इन माई मेडन फ्लाइट एवरीबडी वर क्लैपिंग फॉर मी। हाइएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ, सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ, दिस इज एटीट्यूड। पानी की तरह सीखना, पानी ग्लास में भर देते तो शेप क्या ले लेता है, ग्लास का। बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है, बकेट का। सिचुएशंस के मुताबिक सेट हो जाओ, एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ।
सब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आपके घर में सब आपके हिसाब से चलता है? बिपिन राम जी, घर के चार दीवार के अंदर, ऑफिस में तो कुछ भी चलता होगा, वहां तो बहुत कम चलता होगा। सब अपने हिसाब से नहीं चलता है। इफ यू डोंट रिमेंबर अदर थिंग्स इन द टॉक, रिमेंबर ओनली दिस मच, एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज शुड बी द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। आप भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP कैसे बना के मैं भी थोड़ा अपना रखूं और थोड़ा छोड़ दूं, आप भी अपना थोड़ा रखें और थोड़ा छोड़ दें, ताकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और काम करें और थोड़ा नतीजा लेके आए। दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ। नहीं, अगर मेरे विचार में आपको सम्मिलित होना है तो ही दूसरी बार मीटिंग में आप आना। लो, दिस इज नॉट द वे यू वर्क, दिस इज नॉट हाउ ग्रेट पीपल हैव वर्क। और अंतिम में, डेट बजने में 5 मिनट बाकी है, मुझे डेट बजे तक की बात करने की बात हुई थी। लास्ट 5 मिनट्स आई वुड लाइक टू टॉक यू अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड। कई लोग आस्तिक है, कई लोग नास्तिक है, अपने अपने हिसाब से सब विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में। लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने बताया कि इट इज एडवांटेजियस टू बिलीव इन गॉड देन नॉट टू बिलीव। प्रोफेशनली भी आप भगवान में मानो, अच्छाइयां बुराइयां के लिए नहीं छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं हो छोड़ दो। प्रोफेशनल तो हैं आप, वैश्य फेडरेशन तो हो, व्यापारी तो हो, तो व्यापारी के ढंग से भी आप भगवान में मानो तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। Thousands and thousands of papers have been released in national and international seminars where faith in God, meditation, naam smaran, भगवान की मूर्ति के दर्शन, मंदिर जाना, उसके physical, mental और emotional लाभ scientifically prove हुए हैं। कभी ये बात भी एक घंटे तक करेंगे कि जो नौधा भक्ति श्रीमद भागवत में दी गई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसके फिजिकल मेंटल इमोशनल लाभ कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूट जाती है। अभी रिसर्च 1 महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ कि जो भारतीय शास्त्र में मंदिर में जाने के बाद मंदिर की मूर्ति को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम 11 से 15 अगर रोज करे तो वो व्यक्ति को कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। भगवान के नाम स्मरण में कितनी ताकत है फिजिकली, प्रैक्टिकली। मोक्ष की बात, भगवान के स्वर्ग दर की बात जाने दो अभी तो। प्रोफेसर न्यूबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया रिसर्च किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के व्यक्तियों को बिठाया, 20 वीक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में, और जो भी भगवान के स्वरूप में वे मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करके नाम स्मरण करना। एंड रिजल्ट में MRI टेस्टिंग हुआ, माइंड मैपिंग हुआ, उसमें से प्रैक्टिकल साइंटिफिक रिजल्ट्स ये मिले कि जो छोटे बच्चे थे वो रेगुलर 10 मिनट रोज मेडिटेशन और भगवान का नाम स्मरण करते थे, उनकी मेमोरी पावर 15-25% बढ़ गई। जो किशोर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जो मिडिल एज में थे, 35-40, 45-50 में, उनको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे उनको इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये नाम स्मरण से प्रैक्टिकली एडवांटेज। तो जो जो बातें हमारे शास्त्र में महान ऋषि मुनियों ने लिखी है वो बात सही है, इट इज 100% राइट, एब्सोल्यूटली राइट। तो एटीट्यूड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं,
उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये एटीट्यूड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के कर्ता हर्ता है, और जो भी कुछ करते हैं वो हमारे मनुष्य के अच्छे के लिए करते हैं। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड भगवान के बारे में रखो तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी। मैं 400 साइंटिस्ट को बात कर रहा था ताजलैंड एंड्स बैंड्रा में थोड़े साल पहले, और मेरा विषय था लॉजिक वर्सेस फेथ। और प्रवचन के बाद एक घंटे के बाद डेढ़ घंटे तक तो प्रश्नोत्तरी चली। उसमें कोई वैज्ञानिक ने मुझे पूछा, स्वामी यू आर टॉकिंग ऑफ गॉड, हैव यू सीन हिम? मैंने बोला यस। ही वाज शॉक्ड। देन आई आस्क्ड हिम, डू यू वांट टू सी गॉड? मैं आपको पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू सी गॉड? तीसरा प्रश्न, व्हेन? कभी? बराबर, दिस इज द राइट आंसर। आप बोले कौन बोला? हाँ, अभी देखना है ना, दिखाऊं? अभी दिखाऊं? बताइए यस और नो। आपका विचार, आपके विचार में भगवान के क्या विचार है, कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए? गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। आपको अभी देखना है ना, मैं दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा। गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। नहीं, वो तो एटीट्यूड है हमारा। भगवान के लक्षण क्या है, प्रथम लक्षण क्या है? हमारे जैसे लगे, बराबर, और शांत हो। फिर बोलिए बोलिए, भगवान के लक्षण आपके मन में क्या है? दयालु, बराबर, फेथ। इन प्रैक्टिकल्स इन योर लाइफ यू डोंट प्रोड्यूस द राइट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इतनी ताकत है एटीट्यूड में। व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन परिणाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं एटीट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं। तो एटीट्यूड्स में ये ताकत है। तो पहला सेशन हमने देखा एटीट्यूड्स की महिमा, डेफिनेशन। दूसरा सेशन हमने ये देखा एटीट्यूड से जीवन में प्रैक्टिकल लाभ क्या, एटीट्यूड से जीवन में प्रैक्टिकल लाभ क्या, एक विशाल पैमाने पे। और एटीट्यूड सही नहीं रखा तो एडवांटेज नहीं मिल सकते, वो बात की। नाउ इन द थर्ड सेशन, कार्य में, संबंधों में और व्यक्तिगत जीवन की उन्नति में एटीट्यूड्स किस प्रकार के लाभ हमें करवा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू वर्क, वी सी वी ऑल वर्क 8-10-12 आवर्स अ डे, जो भी प्रोफेशन में हम काम करते हैं। लेकिन काम करते वक्त हमें किस प्रकार के एटीट्यूड्स मन में रखने चाहिए? मैं अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की बात यहां करना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया, जो आप सबने उंगली ऊंची की थी जब मैंने पूछा था कि अक्षरधाम आप गए कि नहीं। वे अक्षरधाम के सर्जक, और अस बीएपीएस संस्था जब बहुत छोटी थी उसमें से एक विश्व फलक पर रख दी, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस दिला दिया इस संस्था को, वो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। 1950 में उनके गुरु ने उनको इस संस्था के प्रमुख बनाए थे। 2016 में वे धाम में पधारे, तब तक 65 साल वे इस संस्था के प्रमुख रहे विथ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। दुनिया में आप मुझे एक संस्था बताइए जिनके प्रमुख 65 साल से एक ही हो और सब सभ्य, सब अनुयायी बहुत खुश हो उनसे, चाहते हैं सब कि वे ही हमारे प्रमुख रहे और कहीं सालों तक। ऐसी कोई संस्था या प्रमुख होंगे? देखो आप सब ना कह रहे हैं। He became the guru of this organization in 1971. So for another 45 years, he remained the spiritual head of BAPS. So 65 years as president and unme se hi 45 years as spiritual head. So for 45 years, he was the whole and soul of this organization. Karya kya kiya unhone? Hum baithe the upar, maine baat ki thi. 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए,
छोटे मोटे 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई, दुनिया के 18,000 गांवों में 60 देशों में उन्होंने विचरण किया। ही पर्सनली विजिटेड मोर देन 60,000 विलेजेस। पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो, वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ और पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो। उभो था दो, पाछड़ कुर्सी रख, अन तू पाछड़ उभो रे, बधा आवे ने व्यवस्थित बेसाड़, बेसी ना जसो सभामां। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने इतना परिश्रम अपने जीवन में किया, पुरुषार्थ अपने जीवन में किया। आप किसी भी जो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, किसी को भी आप पूछो कि व्हाट इज विजिटिंग 18,000 विलेजेस इन अ सिंगल ह्यूमन लाइफ। कोई मुझे प्रश्न ऊपर पूछ रहे थे जब बैठे थे तब कि सामाजिक सेवाएं कैसे बढ़ाएं, मैंने जवाब दिया था कनेक्टिविटी एंड प्रवृत्ति, कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी, इससे आपकी संस्था बढ़ सकती है, बड़ी बन सकती है। मोर कनेक्टिविटी, दैट इज द राइट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड हियर, एंड मोर एक्टिविटीज, दैट इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। तो He met more than 20 million people during his lifetime. सुबह, दोपहर और शाम को 200-200 लोगों को व्यक्तिगत मिलते थे, उनके प्रश्न वे सुनते थे और प्रश्न सुनने के बाद वे उनका उत्तर देते थे, उनको संतोष देते थे। For 50 years in his lifetime, he met 600 people personally every day. He read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. 7 lakh letters at an unbelievable average of 70 incoming letters, mails and faxes per day, and he is to answer it. इनमें से अगर एक भी काम हमें करना हो ना तो भी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो भी पूरा नहीं होता। इसमें से कोई भी एक आइटम ले लो, आप चूज कर लो। Every day in the evening he used to sit, जैसे हमारे एक घंटे डेढ़ घंटे का ये सेशन है, ऐसे एक डेढ़ घंटे का सेशन हर रोज शाम को, जहां भी वे थे पृथ्वी पे, 60 देशों में से कहीं भी, हर रोज शाम को वे सेशन में बैठते थे। एंड इन दैट हाफ एंड हाफ आवर सेशन फॉर 20 मिनट्स ही यूज्ड टू ब्लेस द असेंबली, मतलब हर रोज 20 मिनट बोलना फॉर 50 इयर्स। ही नेवर सॉ अ संडे इन हिज लाइफ। ही इनिशिएटेड मोर देन 1050 सेंट्स लाइक अस, उसमें से 750 से ज्यादा ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं। उसमें से 150 बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं। उसमें से 50 स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं। हमारे कहीं सन 25, 28, 30, 32, 35 साल के जो $1 लाख, $2 लाख की तनख्वाह छोड़ के आए हैं, फिर वो यहां आके 2-5 हजार में हाथ डालेगा। वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इधर आया है। प्रमुख स्वामी वॉज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ वॉलंटियर फोर्स ऑफ 55,000। इतना हार्ड वर्क किया, जब उनकी उम्र थी 70, 75, 78, 80, वी हैव सीन प्रमुख स्वामी एट 11 PM एट नाइट, एट 12 midnight गोइंग इन टू द डीप आदिवासी बैकवर्ड बेल्स फ्रॉम हट टू हट एंड विलेज टू विलेज to give them moral upliftment in life, व्यसन मुक्ति के लिए और नैतिकता के लिए वे पुरुषार्थ अपने जीवन में उन्होंने किया। What a hard work, unbelievable hard work। उनके जीवन में से वर्क के अनुसंधान में थोड़े attitudes सीखने लायक हैं। हम लोग क्या मानते, बस पुरुषार्थ करें, कर्म करें, कर्म के सिद्धांत को हम मानते हैं, कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, लेकिन करते करते, वर्क करते करते किस प्रकार के एटीट्यूड्स रखने हैं ताकि बहुत अच्छा परिणाम मिले। तो प्रमुख स्वामी के जीवन में वर्क रिलेटेड एटीट्यूड में सक्सेस के लिए पहला एटीट्यूड था, वे कहा करते थे, उनके ही शब्द में आपको कहूं, वे बोलते थे कि अगर हमको यह विचार आया
कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा तो वो लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन है। और हमको, हम तो काम में किस प्रकार के एटीट्यूड से चलते हैं, आज करना है वो कल और कल करना है वो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। कल का आज नहीं, आज का अभी, दैट इज द फर्स्ट एटीट्यूड इन वर्क, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू ग्रेट वर्क्स। मैंने 400 से 500 से ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी है, फ्रॉम सरदार पटेल टू अब्राहम लिंकन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीबॉडी। उनके जीवन में से ये बड़ा एटीट्यूड में आपको कार्य संबंधी बात कर रहा हूं कि ये लोग ये मानते थे कि कल जो करना है वो आज होना चाहिए और आज जो करना है वो अभी होना चाहिए। तो वहां लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस की बात ही कहां आई, आती ही नहीं है, सिंपल। दूसरी बात, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज को हमने ये देखा है, कोयम्बतूर के रेलवे स्टेशन पे रात को 12 बजे ट्रेन 15-20 मिनट लेट थी, प्रमुख स्वामी महाराज का पत्र निकालो, हम पत्र लिख लेते हैं, 2-3 पत्र के उत्तर वहां लिख लिए रेलवे स्टेशन पे 70s में। मुंबई में डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहां गए, अपॉइंटमेंट ठीक तरह से तैयार की गई थी ताकि उनको बैठना ना पड़े वेटिंग में, फिर भी अगला वाला जो पेशेंट था उसमें कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ा डेंटिस्ट को, तो प्रमुख स्वामी तो वहां पहुंच गए जो समय था। डेंटिस्ट ने कहा स्वामी जी 2 मिनट, स्वामी ने बोला बी कंफर्टेबल, ट्रीट दैट पेशेंट प्रॉपरली, आई एम सिटिंग, कि स्वामी जी सिर्फ 2 मिनट। डेंटिस्ट अंदर गए, प्रमुख स्वामी ने अटेंडेंट सेक्रेटरी को बताया कि पत्र निकालो पढ़ लेते हैं, तो स्वामी अभी 2 मिनट में अंदर ही जाना है, स्वामी के 2 मिनट में पढ़ लेंगे, और एक्चुअली 1.5 मिनट में अंदर जाना ही हुआ। 1.5 मिनट में उन्होंने 2 पत्र पढ़ लिए और खड़े होते होते दोनों पत्र के उत्तर अपने सेक्रेटरी को बता दिए कि ये लिख देना मैं साइन कर दूंगा, 2 पत्र पूरे कर दिए डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट में वेटिंग में। और अगर हम उस वक्त बैठे होते तो इतना ही होता है, वेटिंग में बैठे हैं तो दिस इज द पोस्चर, कौन आता है कौन जाता है कौन खड़ा है किसने क्या कपड़े पहने, यही चलता है वेटिंग में। सच ग्रेट पर्सनैलिटीज, दे यूज द मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम एंड वी डोंट यूज आवर्स एंड डेज ऑफ टाइम। सो फॉर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, यूज ऑफ टाइम, ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूं ये विचार आए तो भी वो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये पहला एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से और इतने बड़े महान हस्तियों के जीवन में से, कि दिन में करीबन कम से कम 2-5 क्रिया प्रक्रिया तो होनी चाहिए जो उसी वक्त उसी समय 50 साल तक चलनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड पूरा दिन तो हम अपने हिसाब के मुताबिक नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 क्रिया आप तैयार कर लो, वो दिन 2-3 क्रिया उसी समय हर दिन होनी चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट 2-3 स्मॉल एक्ट्स और वर्क दैट यू डू रेगुलरली एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर इयर्स, दैट विल डिसाइड द शेड्यूल ऑफ योर डे, कीप यू ऑन टाइम फॉर एवरी अदर शेड्यूल ऑफ द डे। इसमें इतनी ताकत है। प्रमुख स्वामी महाराज 40 साल तक सुबह 6:40 को वॉकिंग में आए, 6:40 ही इज आउट ऑफ हिज डोर फॉर वर्क, 40 years, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जितने यहां बैठे हैं, हम सबका जीवन का पूरा कार्य इकट्ठा कर ले तो भी प्रमुख स्वामी महाराज का 1% में भी नहीं आता। आपने एक हरियाणा भवन बनाया, कितनी तकलीफ पड़ी होगी, मैं समझ सकता हूं, ऐसे 1300 और 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, कॉलेजेस अलग, एंड ही हैज गिवन हिज पर्सनल टाइम टू 20 मिलियन पीपल, 2 करोड़ लोगों को पर्सनल टाइम दिया है। 6:40 को वॉकिंग, हम लोग उनके वॉकिंग के दर्शन के लिए बैठते तो 6:35 होती थी, हम लोग को पता चलता था कि अभी तो 5 मिनट बाकी है, नहीं आए होंगे वॉकिंग में। एट 7:30 ही यूज्ड टू सिट ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज फॉर हिज मॉर्निंग पूजा, फॉर 40 years, एट 7:30 शार्प ही वुड कम ऑन द डायस।
These are great personalities. Attitudes towards work, of keeping time, at least in 2 or 3 acts of your life of the day. तो बाकी की शेड्यूल दिन की उसमें से सेट और स्टेबल हो जाएंगे, सेट और स्टेबल हो जाते हैं. तो उनके जीवन में यह था. फिर व्यक्तिगत जीवन में एक एटीट्यूड था. बहुत बार वे ये बात करते थे और मैंने बोला ना कि ऐसी बड़ी बायोग्राफीज में भी आपको मिलेगा. ही यूज्ड टू से, जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा. प्रमुख स्वामी महाराज के जितने सम्मान हुए ना, बड़ी अमेरिका में 40 से ज्यादा की टू द सिटीज उनको मिली है. ब्रिटेन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था. कनाडा की पार्लियामेंट में 550 एमपीज ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान किया था. व्हाइट हाउस पे एक इंडियन फ्लैग और अमेरिकन फ्लैग लगाया गया था 24 घंटे के लिए. और रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आके प्रमुख स्वामी महाराज को बड़े ऐसे सभागृह में हजारों लोगों के बीच ये सम्मान किया था, वो दोनों फ्लैग देके, कि दिस टू वेर स्पेशली होस्टेड ऑन द व्हाइट हाउस फॉर यू. केन्या पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान. इतने बड़े सम्मान के साथ उनके बहुत बुरे अपमान भी हमने देखे हैं. वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां दो पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का. तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया. तो हमारे 2-3 स्वयंसेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा. प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है. अरे आपने ये दो पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है. प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे, 5000 लोग बैठे थे, कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा. वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1 लाख से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं. अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है. वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था. दो बार बोल गया फिर वहां से चल निकला. प्रमुख स्वामी ने 2 वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद कोई शायद उसको मार भी दे. प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना. तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है. तो वे जो बोलते थे वो सही था. अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे. बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड ही सेड, सो व्हाट. सो ही कुड डाइजेस्ट. और हमारा मन तो कितना निर्बल है. कोई रिसेप्शन में या प्रसंग में जाके फिर वापस घर आते तो चर्चा क्या होती है देख लेना. वो आया था, वो नहीं आया था, वो लेट आया था, वो खाने के वक्त आया था, उसने मेरे सामने देखा लेकिन स्माइल नहीं किया. मुझे उससे मिलने की इच्छा थी लेकिन उसके चेहरे पे एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उसने ये पहना था नहीं पहना था. 2 घंटे तक फंक्शन के बाद घर में यही चर्चा होती है सबके घर में. यस और नो, वे आए थे वे नहीं आए थे, उसके लिए आप फंक्शन में गए थे. हाफ ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. 50% जीवन तो यू ही पानी में चला जाता है, हमको कॉन्शियस स्टेट में पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. बारात निकलती है तो तीसरे मंजिले पे खड़े खड़े सुबह में, एक तो देरी से उठा है, 10 बज गए हैं तो भी ब्रश करते करते वहां थूक रहा है, स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट बिगाड़ रहा है प्रधानमंत्री श्री का. और फिर अंदर आके बोलेगा बारात 20 मिनट तक देखी, दोनों जम नहीं रहे, तो दोनों को जमाने की जिम्मेदारी तेरी थी. और अगर नहीं जमा और कुछ हुआ तो 21 जिम्मेदारी तेरे पे आने वाली है. एटीट्यूड्स हमारे बहुत चीप हो गए. तो मन जरा दृढ़ रखना. एक्सेप्ट एंड वेलकम रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड इंसल्ट्स इन लाइफ. देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है.
इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माई ओपिनियन वर्क्स, आई एम हैप्पी टू वर्क। इफ माई ओपिनियन डज नॉट वर्क, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work. तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कोवी ने यही बात लिखी है, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा, जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द एइथ हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए, एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया, एक डेलीगेट फी 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी, 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कोवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया, आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कोवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार में एक वाक्य बार बार बोलते थे, वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। इफ यू हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडे स्टीफन कोवी सेमिनार, यू कैन रीड दिस आर्टिकल, इट इज इक्वली गुड इन द थॉट प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द होल सेमिनार। और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, दैट वॉज द सेंटेंस दैट स्टीफन कोवी टॉक्ड अगेन एंड अगेन, परहैप्स मोर देन 10 टाइम्स इन हिज हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल प्रेजेंस अपॉन द स्टेज। और वो क्या था? डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, अदर्स विल फॉलो। वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट, उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कोवी ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, आई एम कोटिंग स्टीफन कवी, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योर सेल्फ टू सूट अदर्स एंड देन अदर्स विल फॉलो। तो एटीट्यूड ये रखना है काम करने की, मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं, वो एटीट्यूड नहीं है, गलत है। आप अपनी टीम को अनुकूल होके सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है। तो दैट कम्स इन एटीट्यूड। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, अदरवाइज एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज।